हेलो एवरीवन, वेलकम टू पूजा स्वीट होम एसेंस। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ एक एगलेस और एल्बर्ट फ्लावर और ओट्स की कुकीज़ जो शेयर कर रही हूँ, जो कि मैं जैगरी के साथ बनाऊँगी, चीनी नहीं यूज़ करने वाली। इसके लिए आपको चाहिए 1/3 कप, ये रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ बटर है वो लेना है 1/3 कप, और इसमें ये 1/2 कप हमें जैगरी पाउडर वो यूज़ करना है, वो इसमें ऐड करना है। और अब आपको इस सब को मिलाना है, बटर और जैगरी को आपस में अच्छे से इनकॉर्पोरेट करना है, अच्छे से मिलाना है, और इसमें आपको 2-4 मिनट लग सकते हैं। तो अब इसको आराम से आप चम्मच की मदद से कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो कि इन सब चीज़ों में ना मैं थोड़ा सा इन्वॉल्व भी कर लेती हूँ अपनी बेटी को, तो वो मेरे साथ इसको फोल्ड करने में मदद कर रही है साथ के साथ। तो अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी बटर के साथ। अब आप देखो, अब आप देखो कि अच्छी तरह मिल गई जैगरी। थोड़ी सी ग्रैनुल्स है बट ये अभी हो जाएंगे, वो भी मिक्स हो जाएंगे। जितना पॉसिबल हो सके कर दीजिएगा, और जैसे इस तरह से क्रीमी टेक्सचर आना चाहिए। अब इसमें 2 टेबलस्पून जो है दूध डालना है, जिससे कि हमारे जो ग्रैनुल्स है ना वो इसमें मेल्ट हो जाएंगे, और दूध अलग अलग नहीं दिखना चाहिए। इतनी देर तक मिलाना है कि दूध और बिल्कुल मिक्स हो जाए, एक सार हो जाए ये सारा मिक्सचर। अब ये एक सार हो गया, इसमें मैं 1 कप जो है एल्बर्ट फ्लावर डाल रही हूँ, और 1 कप भी हमें इसमें ओट्स फ्लावर डालना है। एल्बर्ट फ्लावर जो है ये मैंने घर पे बनाया है, 150 ग्राम जो है नॉर्मली आप जब बादाम लोगे तो उसका 1 कप बन जाता है, तो 1 कप फ्लावर डाल लेना है हमें। यहाँ पे मैं पहले 3/4 कप ओट्स फ्लावर डाल रही हूँ, और 3/4 कप पहले डालेंगे, और एक यहाँ पे कंप्लीट ही जाएगा बट थोड़ा सा जो है वो बाद में हम ऐड करेंगे। और यहाँ पे 1/4 जो है वो मैंने टीस्पून जो बेकिंग पाउडर डाले, और इसको सबको छान के हमें, इससे क्या होगा हल्का हो जाएगा ये, और इसमें एयर फॉर्म होती है इससे। और इलायची पाउडर डाला है यहाँ पे मैंने, क्योंकि जो जैगरी है इसके साथ ना वेनिला एसेंस का फ्लेवर अच्छा नहीं जाता, मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए इलायची पाउडर डाला है। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ और ट्राई करना चाहिए आप कर सकते हो, पर मुझे इसके साथ इलायची का फ्लेवर ही बहुत सटल सा लगता है। तो इसको आपको मिक्स करना है, आपस में मिलाना है, और बाकी बचा हुआ फ्लावर जो है ओट्स फ्लावर वो भी हम डाल देंगे इसमें, और इसको मिक्स कर देंगे। बस मिक्स करके ज़्यादा ओवर मिक्सिंग भी नहीं करनी, जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो हमें छोड़ देना है इसको, और इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है इसमें। नहीं तो कुकीज़ जो है आपकी फ्लैट हो जाएगी, ऐसे बिखर जाएंगी जब आप हीट पे रखोगे ना, तो सारा जो बटर है उससे बाहर आ जाएगा, इसलिए फ्रिज में रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस डो को हमें फ्रिज में रखना है 1 घंटे। ओवर मिक्सिंग भी मत करना, बस आटा जो है जो भी फ्लावर है वो अच्छे से इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। अब इसको हमें फ्रिज में रख देना है 1 घंटे के लिए। और एक ट्रे ले लीजिए, ये मेरी ट्रे जो है वो केक की ट्रे है, तो उसको पहले फॉयल से कवर करके ऊपर ग्रीस कर लिया उसको थोड़ा सा, और इस तरह से इस डो के छोटे छोटे बॉल्स लेके, और बॉल्स लेने के बाद अभी फ्लैट मत करना, अगर आपको कोई शेप देनी है तो आप मत करना फ्लैट, क्योंकि मैं अभी इसको फोक से शेप दूंगी। और इस तरह से रख, जितने बॉल्स इस पर आएंगे वो रख के फिर से मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी, ताकि ये बाहर ना रहे, तो डेक्स लॉट है वो भी अच्छे से कुकीज़ बन जाए। अब मैं फोक से इसको क्रॉस शेप पे शेप दूंगी, और इस तरह से तीन बार प्रेस हो जाएंगे ना, तो अपने आप ही जितना मुझे प्रेस करना है वो हो जाएगा। अगर आपको कोई शेप नहीं देनी तो आप पहले इसको फ्लैट कर लेना थोड़ा सा। और कई बार मैं इसको बॉटल से भी करती हूँ, वो भी बड़ी अच्छी शेप आती है, बट अभी मैं फोक से ही करके दिखा रही हूँ आपको। इस तरह से क्रॉस शेप पे करना है आपको, और एक शेप आ जाएगी, और थर्ड टाइम जब हम प्रेस करेंगे तो हम एक एक बादाम का जो टुकड़ा सेंटर में रखेंगे ना, तो उससे थोड़ा सा और प्रेस हो जाएगा। बस इतना ही करना है, ज़्यादा भी पतला नहीं करना इसको।
और मैंने रखा हुआ है जो पैन है जिसपे मैं बेक करती हूँ, इस तरह से इसी कामों के लिए यूज़ करती हूँ। उसको 5 मिनट आपको गर्म करना है पहले, और उसके बाद ये रखेंगे हम इसको नीचे एक स्टैंड रख के, इस ट्रे को रख देना। और 20 मिनट लगते हैं इसमें होने में, इनको बेक होने में। और ऐसे ही अगर आप ओवन पे भी बनाओगे तब भी 20 मिनट ही लगते हैं, ऑलमोस्ट 15 से 17 मिनट या 20 मिनट, 15 से 20 मिनट के आसपास आपका जाएगा। और स्लो आंच पे रखना है, तो यहाँ पे जो स्टीम है वो बाहर जो है नीचे चली जाएगी, पानी बिल्कुल भी इनके अंदर नहीं जाएगा। तो इसी तरह से आप नेक्स्ट लॉट भी बना लीजिएगा। और ये मैं निकाल रही हूँ कुकीज़ 20 मिनट के बाद, और इसको मैं ठंडा करूँगी और उसके बाद आप खा सकते हो। इसी तरह से अब फ्रिज में रखा हुआ था वो डो, और उसको निकालूंगी और नेक्स्ट बॉल्स बनाएंगे और उसको इस तरह से रखें। इतनी एक्सप्लेनेशन इसलिए देती हूँ क्योंकि कुकीज़ में बहुत बार गलती हो जाती है कि हम थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि हमें बार बार डो को बाहर नहीं रखना, फ्रिज में ही रखना है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें, तो ज़्यादा स्टेप पे डिटेल में इसलिए दिखा रही हूँ कि इसमें गलती ना हो। अगर कोई गलती हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हो कॉमेंट करके। तो इस तरह से इस लॉट को भी मैं 20 मिनट रखूँगी और ये तैयार हो जाएंगे। स्लो आंच पे रखना है, कवर करके इसको हमें, और ये हमारी कुकीज़ रेडी है। और मैं चाहती तो ओवन में भी बना सकती थी, बट मैंने एक सिंपल मेथड दिखाया क्योंकि मैं वो और ज़्यादा ईजी होता है मेरे लिए, बट ये बहुत ही आसानी से इसमें भी आप बना सकते हो। तो ये कुकीज़ तैयार है, आप ये ट्राई ज़रूर करना हेल्दी कुकीज़, और मुझे बताइएगा आपको ये कैसी लगी मेरी रेसिपी। अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।